नमस्कार, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम डी ब्लॉक एम ए ब्लॉक के तत्वों के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न संक्रमण तत्व परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करते हैं क्यों, इस महत्वपूर्ण प्रश्न को जानेंगे। तो आइए जानते हैं संक्रमण तत्वों का महत्वपूर्ण गुण होता है जो बदलती हुई संयोजकता या परिवर्तित संयोजकता दर्शाता है। इस महत्वपूर्ण गुण को हम एक प्रश्न के माध्यम से जानेंगे। तो पुनः प्रश्न, किस प्रकार से संक्रमण तत्व परिवर्तित संयोजकता या बदलती हुई संयोजकता दर्शाता है क्यों? संक्रमण तत्व परिवर्तित संयोजकता या बदलती हुई संयोजकता दर्शाता है। इसका मुख्य कारण, उपांतिम कोष n-1d और अंतिम कोष ns की ऊर्जा स्तर में बहुत अधिक अंतर नहीं होता है, इसीलिए डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन भी संयोजी इलेक्ट्रॉन का कार्य करते हैं। पुनः जाने, सभी संक्रमण तत्व या संक्रमण तत्व परिवर्तित संयोजकता दर्शाते हैं या बदलती हुई संयोजकता प्रदर्शित करते हैं क्योंकि उपअंतिम कोष n-1d एवं अंतिम कोष ns के इलेक्ट्रॉनों या ऊर्जा स्तर में बहुत अधिक अंतर नहीं होता है और ऊर्जा स्तर में बहुत अधिक अंतर नहीं होने की वजह से डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन भी संयोजी इलेक्ट्रॉन का कार्य करते हैं। डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन भी संयोजी इलेक्ट्रॉन का कार्य करते हैं, इसलिए ये बदलती हुई या परिवर्तित संयोजकता दर्शाते हैं। सभी संक्रमण श्रेणियों में प्रथम तत्व को एवं अंतिम तत्व को छोड़कर सभी संक्रमण तत्व बदलती हुई या परिवर्तित संयोजकता दर्शाते हैं। ये जो तत्व होते हैं इनकी अंतिम जो न्यूनतम संयोजकता होती है वो +2 होती है, परंतु कुछ तत्व जैसे कॉपर, गोल्ड, सिल्वर इत्यादि न्यूनतम +1 ऑक्सीकरण अवस्था या +1 संयोजकता भी व्यक्त करते हैं। जितने भी संक्रमण तत्व होते हैं इन सभी में सबसे अधिक परिवर्ती या बदलती हुई संयोजकता मैंगनीज दर्शाता है। मैंगनीज इस प्रकार से, मैंगनीज की परिवर्ती संयोजकता को हम यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं +2, +3, +4, +5, +6, +7। इस प्रकार से मैग्नीज सभी संक्रमण तत्वों में सबसे अधिक बदलती हुई या परिवर्तित संयोजकता दर्शाते हैं। तो मैग्नीज +2, +3, +4, +5, +6 और +7 तक संयोजकता को या बदलती हुई संयोजकता को दर्शाता है। तो आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न संक्रमण तत्व परिवर्तित संयोजकता दर्शाते हैं क्यों, इस गुण को या इस प्रश्न को जाना जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस प्रकार से हम अन्य प्रश्नों को जानेंगे। धन्यवाद।